क्या हुआ? मेरा जिप जैप पेपर बनाने का काम बंद क्यों कर दिया? क्या बताएं? उस चाचा भतीजा ने अपनी पेड़ तोड़ गाड़ी को बेकार कर दिया और अब वो लोग पूरे शहर में लोगों को पेपर का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दे रहे हैं। मन मौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। अब तो मेरा जिप जैप पेपर ही इनसे निपटेगा। ये राक्षस है तो पेपर का, लेकिन खाता है सारे पेड़। मैं तुझे खा जाऊंगा। ओए नहीं पल्ला जी, वो काटने की एक्टिंग करनी है। मैं रियल एक्टर हूँ, सब कुछ रियल करता हूँ। जैसे चाचू चिल्लाए वैसे ही पेड़ भी चिल्लाते हैं जब उन्हें काटा जाता है। और जब ना रहेंगे पेड़ तो कहाँ से होगी बारिश? और ना होगी बारिश तो पड़ेगा सूखा। क्योंकि जल है तो कल है, इसलिए पेड़ बचाओ और पेपर भगाओ। भगाओ पेपर भगाओ। मुझे भगाने चले थे ना। अब मैं तुम्हें भगाऊंगा। ओयो केस है। अरे मैडम जी, ये तो आपका स्टाइल नहीं है। रब बावड़ी बोझ, और मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। चाचा, तुम अपने आप को बड़े बहादुर समझते हो ना? ओए मनमौ जी, वो तो मैं हूँ। समझने वाली क्या बात है कैंची मार के? अगर बहादुर हो तो इस मशीन से बाहर निकलो और लड़ो मेरे साथ। अच्छा, बलवंत को चैलेंज? ये ले, आ गया मैदान में। अरे चाचे, बहादुरी से ज्यादा होशियारी होनी चाहिए, इसलिए तो खोजी करता है खोज और मनमौजी उड़ाता है मौज। कैंची चला के। ओए ये क्या मुसीबत आ पड़ी? ओए भतीजे कहाँ है तू? खोजी सिंह जी, बताइए आज आपका नया आविष्कार क्या है? ये नहीं, दीवार के आर पार गोली। इसे खाने पर तुम किसी भी दीवार के आर पार जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ओ पले पले जी, फिर तो इसे अजमाना पड़ता है। हेलो। हाँ पल्ला जी। हाँ जी, मैं अभी आया। चल भतीजे, पल्ला जी ने फॉरन ऑफिस बुलाया, लगता है आज सैलरी मिलने वाली है। अरे चाचा, मैं कह रहा हूँ। खोजी सिंह जी, आपकी बात बाद में सुनता हूँ, फिलहाल जरा जल्दी में हूँ। ये किट्टी ऑफिस के अंदर लॉक हो गई है, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अंदर दूध पी रही है। और अगर उस तक जल्द नहीं पहुंचा गया तो वो सारा दूध खत्म कर देगी। इधर आओ, इधर आओ। ओए किट्टी को मैंने ही अंदर लॉक किया है, क्योंकि पल्ला जी उसे कभी ठीक से खाने पीने नहीं देते। अब वो चैन से दूध पिएगी और कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी को बताना मत।
ओ लो जी, मैं कमरे के अंदर जाकर इस किट्टी को पकड़ लाता हूँ। पर कैसे, दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड है। ओए फिकर नॉट जी, हो जाएगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? ओ चाचा दीवार के आर पार चला गया। नहीं आंटी, ये खोजी अंकल के नए आविष्कार का कमाल है। ओए किट्टी, ओ मेरी पाली पाली किट्टी, ओए आजा, ऐसे परेशान नहीं करते किट्टू। चाचा, अगर दूध की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारी सैलरी कट। लगता है इस दीवार के आर पार जाने के चक्कर में चीजें चाचू के आर पार जा रही हैं। ओए भतीजे, ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओए कुछ चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया, अब ये किट्टी मेरे जाल में फंस गई है, यही दरवाजा खोलेगी। किट्टी, तेरा पेट तो भर गया ना? ओ ये क्या हो रहा है? ओ क्या मैं बैठ भी नहीं सकता? खोजी अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। चाचू तो हर चीज के आर पार जा रहे हैं, मुझे पता है, और यही बात समझाने मैं तुम्हें रोक रहा था, पर तुम तो घोड़े पर सवार थे। ओए, ओए क्या मैं अब किसी चीज को छू भी नहीं सकता? ओए ऐसे तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। घबराओ मत चाचा, ये प्लास्टिक ग्लव्स पहन लो। तुम किसी भी चीज के आर पार जा सकते हो, मगर प्लास्टिक के नहीं, इसीलिए ये ग्लव्स तुम्हें चीजें पकड़ने में मदद करेंगे। ओ थैंक यू जी। चलो ढोलकी। वे अंका ढोलकी गरीबदास की दुकान पर चोरी कर रहे हैं। चाचा हमेशा कुछ गड़बड़ करने पहुंच जाता है, पर आज यहाँ से भाग नहीं पाएगा। ये ले। ओए ढोलकी, ये क्या हो रहा है? जीजे, पता नहीं क्या हो रहा है। पतिजे, डंका टोल की गरीबदास की दुकान में चोरी कर रहे थे, मैंने उनसे चोरी का बैग छीन लिया। चाचू जल्दी से वो बैग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, हम वो बैग बंदूक निजी के हवाले कर देंगे। अब बच के कहां जाएगा चाचा? ये चाचा ग्लव्स पहन के क्यों घूम रहा है? ओए फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ। चाचा, ये ग्लव्स पहन के चाचा में कौन सी पावर आ गई है? ये
भूख लगी है। ओए भैंस की पूंछ बहादुर सिंह, ओ मुझे इस कॉकरोच से बचा। मैडम जी, मैं आपको बचाऊंगा तो मुझे कौन बचाएगा? मंगू जंगू रंगू, देखो ये नाश्ता हमारा इंतजार कर रहा है। ओए भैंस की पूंछ, यो तो मेरा टिफिन खा रहा से। अरे कल से खाना थोड़ा तीखा लाने का, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। की पूछ, ओ यो कॉकरोच तो खाना खा के बड़ा हो रहा है। ओ भागो। ये क्या कर रहा है? चाचा मछली पकड़ने आए थे, खाली बोतल हाथ लगी। तुम जिन हो? क्या हुक्म है मेरे आका? ओ मैंने अक्सर कहानियों में सुना है कि जिन मालिक का हर काम करता है। जिन भाई साहब, क्या आप भी हमारा हर काम करोगे? बेशक करूँगा। हाँ, पर शर्त ये है कि बचाओ। ओए तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं, पहले पल्ला जी को तो बचाओ। जो हुक्म मेरे आका। बचाओ। अब मुझे अगला काम दीजिए मेरे आका। अगला काम नहीं, फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। पर शर्त ये है कि एक बार मैं तुम्हारा काम करना शुरू कर दूं, फिर तुम्हें मुझे काम देते रहना होगा। और अगर तुम मुझे काम नहीं दे पाए, फिर मैं बन जाऊंगा तुम्हारा आका और तुम बन जाओगे मेरे जन, मेरे गुलाम। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ओए भतीजे, अब हम क्या करेंगे? घर चलते हैं, वहाँ चाची के पास बहुत काम होगा। हाँ, पर घर पहुँचने तक भी मुझे कोई काम देना होगा, वरना काम है ना, ये स्कूटर तुम घर तक ले चलोगे। ले चलो। जो हुक्म मेरे आका। ओ जिन भाई साहब, ये स्कूटर है, प्लेन नहीं। ओए शीला। क्यों जी, आ गए आप? यहाँ इतना सारा काम बाकी है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। ओए शीला, ओए फिक्र लौट, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, अब तेरा सारा काम तो ये जेन करेगा, इसे बहुत सारा काम दे दो। काम की तो कोई कमी नहीं है, आज तो वॉशिंग मशीन भी खराब है तो कपड़े भी धोने हैं। कपड़े तो। जो हुक्म मेरे आका। हमें इस जिन के लिए कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। सारा काम हो गया, अब अगला काम बताओ मेरे आका, वरना। ओए भतीजे, ओए कुछ कर। हाँ चाची, जिनको ये सारे काम दे दो, बिजी रहेगा। जिन सुनो, पग में पानी डालो। सब काम करो। चाचू, इस जिन को बिजी रखने के लिए मैं और कुछ काम का इंतजाम करके आता हूँ। ओए ये तो सब काम फटाफट खत्म करता जा रहा है। ओए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और कहीं छुप जाता हूँ, जिन मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा।
अगला काम बताओ मेरे आका। ओह, ये जिन का सदमा मेरे दिमाग पर कुछ इस तरह छा गया है कि मुझे हर जगह उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अगला काम बताओ मेरे आका। होए होए होए, काम काम काम, क्या काम दूं? तुम ये काम करो या तुम वो काम करो, क्या काम दूं इसको करने के लिए? टिंग टोंग, सॉरी, आपका समय समाप्त हो गया। अब मैं बन गया हूँ तुम्हारा आका और तुम बन गए हो मेरे जिन। तो जिन ने आका के लिए ढेर सारा खाना बनाओ। ओए, मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। अच्छा अच्छा बनाता हूँ। मैंने पिछले 1000 सालों में कुछ नहीं खाया है, जाओ। ये तो सिर्फ एक निवाला था, और रोटी बनाओ। क्या? ओए भतीजे, तुम्हारे चाचू न जाने कहाँ निकल गए, और जिन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चाची आप डरिए मत, हम ढूंढते हैं चाचू को। अब मेरा मनोरंजन करो। ओए, मैं नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं नाच कर तुम्हारा मनोरंजन करता हूँ। तैयारे दहिया लाज मोहे। अच्छा है, और करो और करो। अरे रुको मत, नाचते रहो। चाचू, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप इस बार की छुट्टियों में मुझे बर्फीले हिल स्टेशन ले जाओगे और मुझे सील्स और पेंगुइन्स सिखाओगे। ओ ले भतीजे, अभी तूने पेंगुइन का नाम लिया और पेंगुइन हाजिर भी हो गया। देखा चाचा का कमाल है, पेंगुइन। ओए वाह। बहादुर अंकल, ब्रेक लगाइए। बचाओ, भतीजे बचाओ। ओ भैंस की पूंछ। ये फटूस नगर में पेंगुइन कहाँ से आ गया? मैं आसपास के नेशनल पार्क में पूछताछ करती हूँ, पर तब तक इस पेंगुइन को किसी को संभालना पड़ेगा। चाचू, ये कितना क्यूट है, हम इसे घर ले चलते हैं ना? अब कौन आ गया? आ गए आप, कितनी देर लगा दी सामान लाने में। ओ जी, सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब खाना भी देरी से ही मिलेगा। ओए की होया? है बर्फ के आंसू? ओए ऐसा भी कभी होता है? ओहो, ये तो रोने लगा, लगता है आईसी को भूख लगी है। आईसी? कौन आईसी? ये पेंगुइन, मैंने इसका नाम आईसी रखा है। अरे ये तो बहुत क्यूट है। अरे खोजी अंकल, पेंगुइन क्या खाते हैं? क्या खुशबू आ रही है, मुझे मेरे ऑफिस से यहाँ तक खींच लाई। आ
चाचा के घर में पेंगुइन, वो भी बर्फ के आंसू रोने वाला। अगर मैं ये मुफ्त की बर्फ बाजार में बेचूं, तो माला माल हो जाऊंगा। पैसा पैसा पैसा। मैं जल्द ही माला माल बन जाऊंगा, माला माल बन जाऊंगा। ओहो, आईसी ने ना अभी तक कुछ नहीं खाया, लगता है इसे जलेबी चाहिए। जलेबी इसे नहीं, तुम्हें चाहिए चाचा, क्योंकि पेंगुइन्स कभी जलेबी नहीं खाते। मैं पेंगुइन का खाना साथ लाया हूँ। ये क्या है खोजी अंकल? पेंगुइन्स सिर्फ ठंडी जगह पर रह सकते हैं, इसलिए इस घर को ठंडा करना पड़ेगा। Ah!